What's up guys, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ अपने कॉलेज में एंड यार दिस इज माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। सुपर सीनियर हो गया, थर्ड ईयर में हो गए, मेरे सारे दोस्त भी आए हैं, आपको उनसे भी मिलवाऊंगा अभी दोस्तों से अपने। एंड यार अब तो सुपर सीनियर हो चुके हैं थर्ड ईयर, मैंने सोचा आपको कॉलेज एक बार घुमा दूँ। जिन जिन बच्चों को यहाँ पे जो है केशव महाविद्यालय मिलेगा इन फ्यूचर, तो वो देख सकते हैं मेरा कॉलेज। एंड यार काफ़ी सुंदर है, कैंपस थोड़ा छोटा है मैं मानता हूँ लेकिन सुंदर है काफ़ी, और बारिश अभी हुई है तो अच्छा सा आपको व्यू मिल जाएगा। मैं सुबह ही आ गया था यहाँ पे, कॉलेज क्लासेस चल रही थी, सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था, 9 बजे से लेके कुछ भी हमें टाइम नहीं मिला। 9 से 11 क्लास चली, फिर 11 से लेके अटेंडेंस लगी एंड वो वाली क्लास खत्म हो गई ऐसी। तो यस, अब फाइनली हमें टाइम मिला तो सोचा एक बार ब्लॉग बना लिया जाए, आपको दिखा दिया जाए अपना फर्स्ट डे एज अ सुपर सीनियर एज अ थर्ड ईयर। मेरा दोस्त भी आ गया मेरे साथ, ये खड़ा कब से वेट कर रहा है। तो ये मेरा दोस्त है दीपांशु। और भाई दीपांशु कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया है। अभी क्लासेस ही चल रही है, अपना थर्ड ईयर चल रखा है, फिफ्थ सेमेस्टर है। हाँ, तो उसमें लोड तो आ ही जाता है क्योंकि वैसे ही कॉलेज देखते हैं, लास्ट ईयर ही होता है। और गाइस आप लोग देख सकते हो मैं बिल्कुल फ्लैग के पास खड़ा हूँ, अपना फ्लैग है ऊपर एंड ये जो है अपना एंट्रेंस गेट है, गेट नंबर 3। ठीक है, गेट नंबर 3 नहीं है कभी, जो खुलता नहीं है कभी, हमें मेन गेट पता है जो भी है। और ये वो गेट नंबर 2 भी है सामने, उसका तो पता ही नहीं, उसका तो पता ही नहीं है। ये तो फिर भी टीचर वगैरह के खोल देते हैं, गेट नंबर 2 तो पता ही नहीं है। देखो गेट टोटल कितने हैं, 4 हैं। एक हाँ हॉस्टल वालों का, वो भी नहीं खुलता। बेसिकली खुलता कौन सा, एक गेट जो कि मेन है, जिसमें वो भी इतना सा हिस्सा खोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कॉलेज जब चलते चलते, पूरा कॉलेज आपको घुमाऊंगा। अभी जो है मैं थोड़ा कॉलेज के इधर जा रहा हूँ और बिल्कुल हमारे साथ में देख सकते हैं पूरा लॉन है, शेड्स लॉन कॉलेज का। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, अंदर जाते हैं, दिखाते हैं। भाई बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू ये हो रहा है एंड काफ़ी अच्छा आ रहा है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है पहले दिन आके। भाई तुम्हारा कौन सा दिन है आज? भाई मेरे को तो एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। एक हफ्ते से ज़्यादा मतलब आ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो? हाँ हाँ। अरे भाई क्या बात है, बढ़िया। और क्लासेस सही चल रही हैं? बस यार क्लासेस चल ही नहीं है। ले भी रहे हो या बस घूमने? नहीं, नहीं भाई, देखो भाई यार खर्चा कर आए 40-40 किलोमीटर से, तो हाँ भाई बहुत दूर से आता है। फाइनली वी आर इन द शेड्स लॉन, कितना प्यारा व्यू है यार। यहाँ पे पूरे 2 साल भाई बैठ बैठ के गुजारे हैं, जब भी क्लासेस नहीं होती थी क्यों दीपांशु, यही आ जाते थे। ये लंच का स्पॉट है ना, लंच करते, ये लंच का स्पॉट है, वो जामुन वाला पेड़ है जहाँ से हमने बहुत जामुन तोड़े हैं भाई झाड़ से, मजा आ गया है। क्या भाई क्या दिन बीते हैं भाई, लेकिन ना पता नहीं लगा यार 2 साल कैसे बीते हैं। कोई भाई नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा यार कैसे बीत गए 2 साल, क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। थर्ड ईयर में इतनी जल्दी हम लोग आ चुके हैं, अब तो आप लोग आने वाले हो गाइस, है ना। तो यार वही है, आओगे मेरे से मिलोगे, दीपांशु भाई से मिलोगे। तो यस आप लोग सारा व्यू देख सकते हैं, उधर कुछ पौधे भी हैं, फ्लावर्स वगैरह, वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं, क्लासरूम सब दिखाएंगे, पूरे व्लॉग में बने रहना, बहुत मजा आएगा। तो ये देख सकते हो गाइस, बहुत ही बढ़िया है, और बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पीछे के हिस्से में आए हैं, अभी तो और भी पौधे थे यार, अब तो बहुत कम दिख रहे हैं सारे, पता नहीं इधर उधर कर दिए, वो समेट दिए उधर करके। पहले यहाँ पे लाइन से लगे रहते थे पौधे और भाई इतना मस्त लगता था बैठना इनके आसपास, इतना बढ़िया लगता था सब कुछ। एंड यस यार ये चीज़ें हैं, बाकी तो अब हमें चलना पड़ेगा, एक शेड सा बना पड़ा है। आपको भाई पूरा कोना कोना दिखाएंगे चप्पा चप्पा, घबराओ मत, कॉलेज में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉन से बाहर निकलते वक्त आगे हम बढ़ रहे हैं स्टूडेंट पार्किंग की तरफ। अगर आप लोगों के पास कोई बाइक है, कोई स्कूटी है, कोई व्हीकल्स है तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। एंड भाई मैं भी ला रहा हूँ थर्ड ईयर से, तो अब मैं भी बाइक पे ही आ रहा हूँ, आपको दिखाया था भाई, बिक गई होगी बाइक थोड़ी, है ना, थोड़ा सा लुक दिखाया था। एंड बाकी जितना यहाँ लाइन से सारी स्कूटियाँ सारी पार्किंग लगी है, टोकन मिल जाता है बदले में, देख सकते हो। और भाई कुछ बताओ अपने कॉलेज के बारे में और चीज़ें। और भाई बस ऐसी है, एमपी थिएटर वगैरह बंद रखा है, ऑडिटोरियम है जो साल में 2 बार खुलता है, ऑडिटोरियम लॉक रहता है जो साल में, लेकिन यार कैपेसिटी बहुत है। ये देखो ये पार्किंग देख सकते हो पीछे तक, वो जा रही है स्टूडेंट पार्किंग है, टीचर पार्किंग आगे है, टीचर पार्किंग उस साइड है, वो मेरे पीछे उधर, ये कैंटीन है अपनी। अगर बाकी अगर मैं आपको अपना कुछ सिनेरियो दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ये रेड 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 ये है, मैंने सुबह पार्क की थी और ये भीग चुकी है भाई पूरी अच्छी तरह, पानी देख से हो कितना इकट्ठा हो गया भाई। ये मेन गेट है और वो छोटे गेट है जो कि देख सकते हो, छोटे गेट से एंट्री होती है, मेन गेट तो खुलता नहीं है, सिर्फ टीचर्स के लिए खुलता है। एंड इन केस जैसे यहाँ पे पानी हो चुका है तो खोल दिया है इन्होंने, वैसे ये बड़ा गेट बंद रहता है, ये गाड़ी वाड़ी के लिए है, वही से हम आते हैं जो छोटा गेट है। यहाँ पे जुगाड़ कर रखा है, अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखो देखो पत्थर पत्थर लगाया है, देखो ट्रायल देखो, ये देखो ये बिल्कुल तकेशी कासल्स होता था ना, देखा है बचपन में, बिल्कुल वही है भाई हमारा देसी तकेशी कासल्स, देसी तकेशी कासल्स है भाई। और कुछ दोस्त आ गए हमारे थर्ड ईयर के, उत्कर्ष भाई, और भाई क्या हाल है? बढ़िया है भाई, बढ़िया। बताओ और कुछ यार, कॉलेज के बारे में बताओ अपने जूनियर्स को जो सुपर जूनियर था। बढ़िया कॉलेज है, बाकी तो बढ़िया है, पढ़ाई भी बढ़िया है, बीएमएस के लिए ज्यादा फेवरेट माना जाता है। वही ना,
बाकी तो जब कॉलेज आ पाएंगे तब समझ जाएंगे, तब समझ जाएंगे है ना, हम सभी आपको मिलने हैं, सब आपको मिलेंगे, आप आएंगे तो आपको बताएंगे एबीपी क्या है क्या नहीं है, जो भी काफी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो तो आपको कॉलेज की इन डेप्थ जो भी आपको इनसाइट्स मिलेंगे वो यहीं आके मिलेंगे, ठीक है, और इस चैनल पे मिलेंगे, सब्सक्राइब कर देना और लाइक मार देना, लाइक मार देना, ठीक है, मिले रोनित, ब्लॉग में देखा होगा आपने ड्रेस्ट के रोनित, एंड ठीक है, और बताओ रोनित भाई कॉलेज के बारे में कुछ कुछ इनसाइट जो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप बता दो कुछ आपको पता हो तो। भाई कॉलेज का तो देखो पता नहीं लेकिन ये है, तुम लोग आओ हम मिलेंगे और पूरा मनोरंजन करवाएंगे, और मदर डेरी भी मिलेगी, मदर डेरी मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलेगा, ठीक है, आओ हमारे साथ मजे करेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, मजे करेंगे, ठीक है भाई। बीकॉम के हैं यहाँ पे अपने भाई, देखो बीकॉम का तो ऐसा है कि पूरे कॉलेज में नो कोर्स है और उसमें से बीकॉम की जो स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, देख 190 बच्चे की सिर्फ बीकॉम के, ये वो भी एक ईयर में, तो देख लो भाई मोनोपोली अपनी है, आओ फटाफट, यस एग्जैक्टली, चलो मिलते हैं भाई, ठीक है बाय बाय, ओके, इतना बड़ा ग्राउंड है और भाई ये फुटबॉल ग्राउंड है, एनसीवेब भी हमारे कॉलेज में, नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशनल बोर्ड, जो कि मैं यार अपनी वीडियो में कितनी बार चिल्ला के बताया आपको कि एनसीवेब में भी एडमिशन हो सकता है, स्पेशली फीमेल ऑडियंस के लिए, गर्ल्स ऑडियंस के लिए, बॉयज के लिए नहीं है, एंड अपना एसओएल तो होता ही है, बाकी ये एनसीवेब का सेंटर है, देख सकते हो केशव महाविद्यालय में एनसीवेब होता है, जिसकी क्लास है सैटरडे या संडे को होती है, दो दिन होती है सैटरडे संडे, तो चलो एनीवेज ये ग्राउंड अपना देख सकते हो गाइस, अब मैं इसमें क्या ही घुमाऊं आपको, खाली ग्राउंड है, आगे कबूतर बैठे हैं, बस यार यही चीज़ें हैं, बच्चे खेल नहीं रहे, बरसात हुई थी, बारिश हुई थी इतनी, एंड अभी तो यार बच्चे आए भी नहीं है, कॉलेज सुना सुना लग रहा है, आपको मिस कर रहे हैं भाई हम लोग, जल्दी आओ, तो गाइस अब आपको मिलवाते हैं अपने सेंट्रल काउंसलर से, ये रहा विनय भाई, और भाई अरे अंश भाई क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया भाई, हाँ भाई, और सुनाओ क्या हाल चाल, आजकल ब्लॉगिंग हो रही है, बढ़िया ब्लॉगिंग सही हो रही है भाई, तुम अच्छा। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा, सीसी पॉलिटिक्स सही चल रही है, हाँ भाई पॉलिटिशियंस कहाँ है भाई, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं भाई, नहीं नहीं सही है, कॉलेज में दुख समस्या हो गई, हाँ भाई, और भाई बाकी बाकी वो तो है भाई, बाकी ये बताओ कि एडमिन डिपार्टमेंट कैसा है यार कॉलेज का, तुमसे डिपार्टमेंट तो भाई ठीक ठाक है, जैसे हर सरकारी ऑफिस होता है, में सारे दोस्त हैं यार हम, आपको जो है सीनियर से मिलवा रहा हूँ अपने दोस्तों से, बाकी विनय भाई यूनियन कैसी है, हमारी यूनियन का रिस्पांस कैसा है भाई, यूनियन के अंदर छात्रों का प्रति तो छात्री बताएंगे, भाइयों बताओ कैसा, हाँ आपस में देखो कोई एक तो बोल नहीं सकता कैसा है, वही सब बताएंगे है ना, भाइयों के काम में लगे हुए हैं, देखो पूरे सुबह से लगे हुए हैं, बस भाइयों का बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं कॉलेज, बिल्कुल विनय भाई इतना काम करते हैं, देखो काले से, ठीक है भाई, बाकी और कोई समस्या हो तो अंश भाई जरूर मिलते हैं, हाँ भाई मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, चाहे दूसरे लेवल पे कोई भी देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो, कोई भी पूरे डीयू का, और जो बच्चे आ रहे हैं स्पेशली, हाँ भाई अंकल भी आ गए, गार्ड अंकल कैसे हो अंकल, बढ़िया बेटा बढ़िया, तुम ठीक हो, बस बढ़िया, ये टीचर की पार्किंग की बात कर रहा था मैं, टीचर्स की कार खड़ी है, और ये आप लुक देख सकते हो, कॉलेज का व्यू देख सकते हो आप, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, कितना सुंदर लग रहा है भाई, कॉलेज देखो छोटा है लेकिन सुंदर है काफी, दिखाते हैं अपनी मेन बिल्डिंग है अंदर की, एंड यहाँ पे सारी चीजें देखो, ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर फ्लोर का, और ये हमारे यहाँ की लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी है, बच्चे लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, जो लिफ्ट कभी कभी अंदर ही बंद हो जाती है, कभी कभार रुक जाती है, बट कोई बात नहीं, निकाल देते हैं बच्चों को किसी तरह, बाकी यार ये अपने दो फ्लोर है पूरे, एंड मैं थोड़ा दिख नहीं रहा हूँ, तो यार अभी अपने जो दो फ्लोर है कॉलेज के अंदर पूरे, यहाँ पे एक ये ग्राउंड है, एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड है, इसके ऊपर दो हैं, तो उसके ऊपर जो है सारी चीजें देखने को मिलेगी, और मैं पीछे टूकना जो कोई बात नहीं, दिवानशु है गाइड करने के लिए बता देना, हाँ भाई बिल्कुल, कॉलेज का नक्शा चप्पा चप्पा याद है, अब आपको और क्या क्लासरूम भी दिखा देते हैं, एक दो आपको लेक्चर हॉल भी दिखाते हैं, ठीक है, लेक्चर हॉल कैसे बना, क्लासेस कैसे बनी है, बाकी ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉग है वो देखो, और भाई भी खड़े हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उनको भी दिखाते हैं, वो देखो उधर, हाँ हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, उनसे मिलते हैं, यहाँ से दिखेगा, क्या हाल है भाई, बढ़िया बस बढ़िया बढ़िया, और भाई बढ़िया बस बढ़िया बढ़िया, चल रही है व्लॉगिंग, चल रही है, और क्या हाल है, बढ़िया बड़े, ये असद है और ये अमन है, और भाई सीनियर बन चुके हैं थर्ड ईयर, कैसा लग रहा है बताओ, दो साल कैसे बीते इतनी जल्दी या धीरे धीरे, कैसा लग रहा है भाई, बहुत जल्दी बीत, बहुत जल्दी यार, सबका तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम आओगे तो सब कुछ एकदम, हाँ। आपको टीचर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, हाँ। पर अपने सब्जेक्ट के साथ लॉयल रहना, मतलब पढ़ लेना, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बोला है असद भाई ने, बाकी जितने भी दोस्त मिले उन्होंने ऐसी बातें करी है, मेन तो पढ़ लेना भाई, जरूरी है, जरूरी इसमें हमारे कॉलेज से भी लगी, इस साल पिछले साल सीनियर्स की लगी थी, अगर तुम आई मैथमेटिकल साइंस लेते हो और कंप्यूटर साइंस लेते हो, सबके लग रही है तो लगने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये मैथमेटिकल साइंस है तो मैथमेटिकल साइंसेस के बारे में थोड़ा बताओ कैसा है, अच्छी है
आपके पास बहुत सारी मतलब तीन टाइप की वैरायटी, आप ओआर में शिफ्ट हो सकते हो, कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट हो सकते हो और मैथ्स की तरफ जा सकते हो। तो मतलब जितने भी प्रोग्राम कोर्सेज है ना उसमें हम शिफ्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम उस प्रोग्राम से आप ऑनर्स में शिफ्ट हो सकते हो इन अ मास्टर्स। इन अ मास्टर्स मतलब अगर मान लो चार साल की अगर हम डिग्री करें तो उसकी ऑनर्स में मिलेगी ऐसा, एज अ प्रोग्राम होगा पर मेजर डिग्री एज अ मेरी लगेगी जैसे कंप्यूटर साइंस डिसर्टेशन लिख के। हाँ प्रॉपर मेरा जैसे मेरे में लिखा जाएगा कंप्यूटर साइंस से एक्स्ट्रा डिग्री मिलेगी एज अ मेजर। अगर आप डीएससी लेते हो जी में अगर माइनर लेते हो तो दूसरे डिपार्टमेंट से आपको डिग्री मिलेगी। All right. सिर्फ चार ही कॉलेजेस में अवेलेबल है, एक हमारा केशव महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय महाराजा अग्रसेन और एक कॉलेज और है मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है, बस ये तीन चार कॉलेजेस में अवेलेबल इन्हीं में अवेलेबल है। ओके और भाई कैंपस छोटा है लेकिन कैसा लगता है, एक एक रिव्यू अगर देना हो तो? कैंपस अच्छा है, कैंपस से ज्यादा मैटर क्या करते हैं एनवायरमेंट, अपना एनवायरमेंट अपने साथ लेके चलो। जैसी संगत रखोगे भाई वैसा ही चीज है, ठीक है, पूरा फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए बेसिकली एंड मेन पॉइंट ही बहुत ढूंढ ढूंढ के बनाना पड़ता है। हाँ ढूंढ ढूंढ के बनाना पड़ता है, जैसे भाई लोग हैं अपने, ठीक है, और भाई बहुत अच्छा जो है सिंगिंग करता है, कभी आपको सुनाएंगे, ठीक है, कभी जैमिंग करोगे मिलते हैं, ठीक है, जैमिंग करेंगे आपको दिखाएंगे किसी दिन, बहुत अच्छा गाता है भाई। बाय 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 गाइस बाय बाय। ओके फाइनली अपनी क्लास खत्म हो चुकी है और टाइम जो अभी हो रहा है वो हो रहा है 3:32, 3:30 बज रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जो है हमारी क्लास तो खत्म होगी। मैंने आपको बोला था जैसा कि क्लासरूम भी दिखाऊंगा, तो ये तो भाई ऐसा नॉर्मल क्लासरूम है, जैसे नॉर्मल क्लासेस होती है ना वैसे ही अपना नॉर्मल क्लास है। अब मैं आपको दिखाऊंगा लेक्चर हॉल, लेक्चर हॉल ऐसे होता है स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप ऊपर वो दिखाता हूँ, अगर कोई फ्री मिलता है तो दिखाता हूँ आपको, नहीं तो हल्का हल्का झलक दे दूंगा और बाकी की कुछ चीजें आपको दिखाते हैं। तो मेरे पीछे दो नमूने मेरे दोस्त चंदन और प्रतिदत्ता, तो ये भी मेरे क्लासमेट है एंड यस यार बाकी सब दोस्तों से आप मिल गए, ये भी सीनियर ये भी थर्ड ईयर ही है यार। क्लास लेनी जा रही है हमसे और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंक मार रहे हैं। देखो बंक नहीं बोल सकते भाई एग्जैक्टली यार, एक लास्ट क्लास है इसकी तो कैंसिल ही हो गई चंदन की, उसकी मेरे साथ थी, ये दूसरे वाले की मेरे साथ थी प्रतिदत्ता की, बट यस अब जो है यहाँ पे आप एलटी देख सकते हो, एलटी में आपको दिखाऊं, देखो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाते ये लेक्चर हॉल है और बहुत प्यारा लेक्चर हॉल है। अगर मैं आपको इसको बैक कैमरा से दिखाना चाहूँ तो और अच्छा आपको लगेगा और ये मैं आपको अब बैक कैमरा से दिखा दूँ, चलिए देख लें। सो ये है हमारा प्यारा सा लेक्चर हॉल जो कि यार सही में यार प्यारा है, प्यारा ही कहूँगा मतलब ठीक है, साफ सुथरा है, कोई वो नहीं है, प्यारा इन द सेंस साफ सुथरा है। मेरे को पता नहीं गाइस आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लगेगा, ये ऊपर से व्यू है, सामने बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, सारी चीज़ें अपनी कॉलेज में जो जो है वो तो है, बस चलती कम है थोड़ी चीज़ें तो सारी हैं लेकिन चलती कुछ है। और भाई एक ये देख लो, ठीक है, क्या बढ़िया यहाँ पे जो है आर्किटेक्ट किया, क्या बढ़िया जो है बनाया, जो भी बोलते हैं यार व्हाटएवर, बोर्ड देखो कैसे टेढ़ा कर दिया यार, ये वाला बोर्ड एकदम सही है ये देखो, लेकिन उस वाला वो जो है वो टेढ़ा हो गया जो यहाँ पे बैठा है। तो यार पंखा चला लेते हैं भाई, पंखा लगा टीचरों के लिए, अबे चल जा, पोपट हो गया गाइस, एक मिनट शायद यहाँ से बटन दबाना होगा, जो भी है ये तो नहीं होगा, यही होगा जो भी है, रुक क्या हवा आ रही है, और मैं यहीं खड़ा रहूंगा कुछ देर। A few moments later. जलाइए तो बत्तियाँ बुझानी भी जरूरी है भाई, ऐसा नहीं है कि जला के चले जाएंगे, नहीं भाई बुझाएंगे और पूरा लॉक करके जाएंगे, अंधेरा हो गया। वी आर एट कॉरिडोर, सारा पूरा कॉलेज का हमने दिखा दिया, कवर कर दिया ब्लॉग एंड अब जो है आगे चलेंगे। और भाई आपको देखो ATM भी दिखाएंगे, ATM भी है कैनरा बैंक का, जिसमें खाली डब्बा यार होता है लेकिन पैसे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पैसे भी होते हैं इसमें एंड कभी कभार नहीं होते तो भाई को थोड़ा नफरत होगी, जब भाई ने निकलवाया एंड नहीं निकले तो कह रहा खाली डब्बा, कोई बात नहीं होता रहता है भाई, अब बैड एक्सपीरियंसेस नो प्रॉब्लम, बाहर निकलते हैं और चलते हैं आगे। हमारा अब ऑडिटोरियम है यार, ऑडिटोरियम तक निकल के आ गए, आपको ना छोटे छोटे सीन दिखा रहा हूँ, बंद पड़ा है अंदर नहीं दिखा सकते, अगर आपको ऑडिटोरियम देखना है हमारा कैसा है तो कोई भी मेरा फेस्ट का ब्लॉग उठा के देख सकते हो, उसमें जो है चाहे फ्रेशर पार्टी देख लो चाहे फेस्ट देख लो, उसमें जो है मैंने दिखाया हुआ है कि ऑडिटोरियम हमारा कैसा लगता है और कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं। और भी बहुत सारे ब्लॉग हैं जिसमें मैंने और भी चीज़ें कुछ कुछ कवर करी हैं और सेमिनार रूम वगैरह भी आपको मैंने दिखाया हुआ है और ब्लॉग्स में, तो जाके देख सकते हो चेक कर सकते हो, अभी यार जितना पॉसिबल था उतना दिखा दिया, फोन में चार्जिंग भी थोड़ी कम है और यार निकलना है बेसिकली, ठीक है, निकलने का टाइम आ चुका है, कॉलेज बिल्कुल खाली हो चुका है, इवन अभी तो भीड़ आई नहीं रही लेकिन तब भी जो है कॉलेज जितना भी भरा था वो अब खाली हो रहा है, अधिकतर लोग कुछ लोग यहाँ पे क्लास में हैं, बाकी लोग निकल चुके हैं। दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस, व्लॉग में इतना ही रखते हैं, इतना ही एंड करते हैं और वापस जहाँ से हमने शुरू किया था वह शेड्स लॉन वहीं पे वापस आके अब हम एंड कर रहे हैं, तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है यार लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर लेना, सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो, आप में से जो बच्चे देख रहे हैं उनमें से कुछ का एडमिशन हमारे कॉलेज में भी होगा, साथ में मिलकर व्लॉग बनाएंगे और इतना ही रखते हैं व्लॉग में, बस खत्म करते हैं, सब कुछ हमने दिखा दिया, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई कैसी लग रही है पेटीज?
अच्छी है, मदर डेयरी के बाहर खड़े हैं और अभी ले रहे हैं। ये देखो अंदर सारा सामान मिलेगा मदर डेयरी का, और साथ में फोटो स्टेट की दुकान भी है, कॉलेज के अंदर ही है हम लोग ना। हमारे आने के एक साल बाद ये हुआ। हाँ, हमारे आने के एक साल बाद ये सब इनॉग्रेशन ये सब इसका हुआ है, खुली है ये चीज़ें, पहले नहीं थी, लेकिन अब आप लोग आएंगे तो होएगा सब कुछ।